नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि हंस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बहुत सारी बातें नहीं करने वाला हूँ, आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, कुछ वीडियोस दिखाने वाला हूँ जिसमें कि लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए हमारे लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं तो कैसे लोग अभी सड़कों पर नज़र आ रहे हैं लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए। सरकार का सख्त आदेश है लॉकडाउन में कहीं घर से बाहर ना निकले, तो घर में रहें, जरूरत पड़ने से ही आप घर से बाहर निकले। लेकिन यहाँ हमारे देश में, हमारे राज्य में लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसका उल्लंघन करने पे, मतलब बाज नहीं आ रहे हैं, वो इसका उल्लंघन ही कर रहे हैं। तो चलते हैं देखते हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं अभी, ये पोस्टल पार्क रोड का मेन रोड, बिहार की राजधानी पटना में एक छोटे से जगह का नाम है पोस्टल पार्क, वहाँ का ये भीड़ आपको देखने को मिल रहा है अभी। यहाँ पे देखिए, लोग ज़रूरतमंद के हिसाब से जो लोग आ रहे हैं उनके अलावा भी आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आप देखेंगे जो कि बेवजह रोड पे भीड़ लगाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप बेवजह रोड पे ऐसे ना टहलें, क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत ही भयावह है। इस बीमारी को दूर करने के लिए हमें एक दूसरे से दूरी बना के ही रखना होगा, तभी इस बीमारी को हम लोग दूर कर सकते हैं। देख रहे हैं, जैसा कि आप ये देखिए, ठेले वाले किस तरह से यहाँ पे ठेले लगाए हुए हैं अभी इस समय, जबकि मतलब सरकार की तरफ से घोषणा हुई है कि 2 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह में खोलनी है। तो इस समय पे लोगों ने अभी सड़कों पे आना जाना, घूमना, ये देखिए आप अभी किराना की दुकान देख रहे हैं, ये भी इस तरह से खोले हुए हैं। बगल में आप देख रहे हैं भुंजे की दुकान है, ये इन्होंने भी खोल के रखे हुए हैं। सारा दिन ये सब दुकान खुला हुआ है। इधर आप फलों की दुकान देख रहे हैं, ये लोग भी खोल के बैठे हुए हैं। इस तरह से बहुत सारी ऐसी आपको दुकान मिलेगी जो कि सड़कों पे, मोहल्लों में आपको खुला हुआ देखने को मिल जाएगा। आप इधर देखेंगे, गाड़ियाँ भी आपको नज़र आती रहेंगी। दोस्तों, तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करता रहूँगा कि आप बेवजह का रोड पे ना आए, भीड़ ना जमाए। देखिए यहाँ पे भी कुछ ठेले लगे हुए हैं, और मैं भी आपको लेके आ रहा हूँ पटना जंक्शन के पास। ये पटना जंक्शन का भीड़ है। यहाँ पे देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पे खेलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कोई पैसेंजर्स या फिर बाहर से आने जाने वाले लोगों का यहाँ पे भीड़ नहीं है। स्टेशन के ये बाहर का नज़ारा है, यहाँ पे भी आपको क्राउड थोड़ा बहुत नज़र आएगा। हालांकि कंट्रोल तो है कुछ, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा है जहाँ पे भीड़ आप रोकने का नाम नहीं ले रहा है। ज़रूरतमंद वाले लोग सड़कों पे नज़र आ रहे हैं इस जगह पे, बेवजह के लोग यहाँ पे तो नहीं शायद नज़र आए अभी तक हमें। मैं दिखा रहा हूँ आपको लोग किस तरह से अपने अपने घरों के बाहर में एक दूसरे से बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि ना अपने घर पे ही रहें, बाहर ना निकले, एक दूसरे से दूरी ही बनाए रखें। गाड़ियाँ भी क्रॉस करती हुई गई, अभी आप देखेंगे बहुत सारी गाड़ियाँ है जो कि ज़रूरत पड़ने पर ही वो बाहर निकली हुई हैं। ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, जो भी ने आप बोलिए, ये अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद है। देखिए ये इससे गाड़ी गई व्हाइट कलर की, इस जगह का ये पटना का ही नज़ारा है दोस्तों। रोड बिल्कुल सन्नाटा हो चुका है, वीरान सड़कें। ये पटना जंक्शन के पीछे का नज़ारा है जहाँ पे कुछ बच्चे आपको क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे, तो क्यों इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कोरोना वायरस से हमें डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, तो ये लोग एक जगह पे इकट्ठे होके क्रिकेट खेलना, ये सब क्यों, ऐसा क्यों है? इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संक्रमण एक दूसरे से ही फैलता है। तो इन लोगों को दूरी बना के अपने अपने घरों में रहना चाहिए, है ना दोस्तों? अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर मैं सही हूँ तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर बना के रखिएगा।
अभी हम आपको एक ऐसी जगह पे और लेके चलेंगे जहाँ पे आप देखेंगे कि भीड़ किस तरह से वहाँ पे बनती है। अभी हम जा रहे हैं मीठापुर सब्जी मंडी। ये आप देख रहे हैं रेलवे लाइन, बिल्कुल सन्नाटा। कभी इस जगह पे काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। और ये आप देख रहे हैं हम लोग पुल से नीचे उतर रहे हैं। ये आपको दिखाने वाला हूँ मैं आपको मंडी का नज़ारा। सब्जी मंडी से बोलते हैं मीठापुर सब्जी मंडी। आप यहाँ की भीड़ देखिए, ये अनबिलीवेबल। ये इतना भीड़ नहीं होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। जैसे आम दिनों में हुआ करती थी यहाँ पे भीड़, वैसे ये कुछ जगहों पे हालांकि भीड़ नहीं है, लेकिन और भी जगहों पे ये देखिए सब्जी वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस जगह पे इतना भीड़ है सब्जी मार्केट में, तो एक दूसरे को संक्रमण अगर किसी को हो जाता है तो दोस्त आप विश्वास नहीं कर सकते हो कितनी दूर तक ये बीमारी फैलेगी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अगर आपको इस भीड़ से बचने का अगर आप कुछ रास्ता सोच सकते हो तो आप इस भीड़ से दूर ही रहें। भीड़ भाड़ वाले जगहों पे मत जाएं। कोशिश ना करें कि आप भीड़ भाड़ वाले जगहों पे जाएं, वहाँ से दूरी रखें। देखिए सब्जी वाले किस तरह से भीड़ जुटा के सब्जियाँ बेच रहे हैं। मंडी में इस तरह का मंडी अभी नहीं लगना चाहिए था। अगर लोग जा भी रहे तो एक दूसरे को पहले डिस्टेंस तय कर ले, उसके बाद वो जाए सब्जी लेने के लिए। जो भी ज़रूरत का सामान है वो डिस्टेंस बना के, डिस्टेंस मेंटेन करके वो जाए और अपना ज़रूरत का सामान लेके आए। लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो कि बेवजह का भीड़ लगाने के लिए आए हुए हैं। देख रहे दोस्तों किस तरह से यहाँ पे मंडी में भीड़ है, आपको विश्वास नहीं होगा कितना भीड़ यहाँ पे है। देखिए एक दूसरे से टच हो रहे हैं ये लोग। जब तक ये एक दूसरे से अलग ना रहेंगे तब तक ये संक्रमण खतरा दूर नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई मानते नहीं है दोस्तों। देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों अपने ये सब्जी वाले लोग सब्जी बेच रहे हैं अपना। अभी हम वापस आ रहे हैं इसी मार्केट में, अब हम वापस चलते हैं क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पे ना बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ गैदरिंग बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोग से भी बोलूँगा कि अगर आप लोग को ज़रूरत की सामान अगर लेने हैं अपने आसपास में कहीं दुकान है तो आप वहाँ से ले लें, कृपया इस भीड़ में ना जाएँ तो अच्छा हो। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, इस वायरस से अपने आप को दूर रखने का जितना हो सके उतना प्रयास करते रहें, तभी मैं समझूंगा कि हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हुआ है दोस्तों। अगर कहीं मार्केट से कोई सब्जियां, कोई फल या कुछ और भी सामान खरीद के ले जा रहे हो दोस्तों, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप उन चीज़ों को घर में प्रवेश करने से पहले अच्छी तरह से उन्हें धो लें, साफ़ कर लें, ताकि जो कुछ भी अगर उसके बाहरी सतह पे बैक्टीरिया का अगर कुछ असर हो तो वो बाहर ही खत्म हो जाए। गर्म पानी से उसे धोए फिर उसके बाद ही घर में लेके जाए। और आप खुद भी अपने आप को बाहर पहले सैनिटाइज कर लें हाथ को, उसके बाद हाथ पैर धो के कपड़े को बाहर ही रख लें। ऐसा करने से आप अपने आप को बचाएंगे, साथ ही अपने परिवार, अपने मोहल्ले वाले को बचाएंगे। आपके मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं, आपके घर में जितने लोग रहते हैं, आपके मकान में जितने लोग रहते हैं, आप उन सभी को सुरक्षित रख सकते हैं आपके इस एक प्रयास से। अभी आप देखिए आगे आप देखिएगा कितना भीड़ इस जगह पे है। लोग एक दूसरे के शरीर में देखिए किस तरह से टच करके जा रहे हैं। ये संक्रमण फैलने का खतरा रहता है ऐसे में दोस्तों। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि दोस्तों प्लीज़ आप ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगहों पे ना जाएं, जितना हो सके उतनी दूर रहें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? मेरा अगर कहना कुछ गलत है तो प्लीज़ मैं सॉरी, हम आप सभी लोग से माफ़ी मांगते हैं। अगर हमारा वीडियो बनाने का मकसद अगर सही था तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले किसी नई खबर के साथ, अगला कोई नई वीडियो के साथ।